यहाँ पर मेरे पास एक पुराना प्रोजेक्टर पर उसका जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा लो है, तो आज मैं इस प्रोजेक्टर को सुपर ब्राइटर बनाने वाला हूँ, अपग्रेड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो पहले हम अपने प्रोजेक्टर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम पुरानी LED लाइट की जगह पर हमें यहाँ पर नई LED लाइट लगानी है, जो भी हमें मिले अच्छी जो मार्केट में हो, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, आपके हिसाब से आप खरीद सकते हो 100 वोल्ट या 150 वोल्ट या फिर 200 वोल्ट, आपको जो मिले जो ज़्यादा ब्राइट हो वो LED लाइट आप यहाँ पर लगा सकते हो। मैं यहाँ पर दो LED चिप लगा रहा हूँ 50-50 वोल्ट की। अगर आप यहाँ पर अगर आपका प्रोजेक्टर है उसका जो LCD स्क्रीन का रेजुलेशन है वो 800x480 है, तो आप यहाँ पर ये 50 वोल्ट की एक ही LED लगा सकते हो। इस LCD को ये एक ही LED लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाने में ये काफ़ी है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर मैनेज करके लगा सकते हैं अपने LCD स्क्रीन के रेजुलेशन के हिसाब से। हमारे प्रोजेक्टर का जो LCD होता है उसका जो रेजुलेशन है जितना ज़्यादा होता है उतना ही हमें यहाँ पर ज़्यादा वोल्ट की LED की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा हम चेंजेस कर लेते हैं रिफ्लेक्टर में, ताकि हमारे जो दो LED लाइट है वो आसानी से यहाँ पर अंदर फिट हो सके। We'll be right back.
मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, अगर हम नई एलईडी लाइट यहाँ पर लगाते हैं तो हमारे जो पुराना जो प्रोजेक्टर में एलईडी ड्रायर बल्ब लगा हुआ था उस पर ये एलईडी लाइट काम नहीं करेगी, क्योंकि जो ज़्यादा वोल्ट की जो हम एलईडी लाइट लगाते हैं तो उसको पावर भी थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होता है। तो हमें उसके लिए अपनी एलईडी लाइट के अनुसार हमें दूसरा ड्राइवर बोर्ड लगाना पड़ेगा। आप उस अपने एलईडी लाइट के जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार आपको दूसरा पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लगाए है दो 12 वोल्ट के फैन। यहाँ पर हमने जो हीट सिंक लगाई हुई है और उस पर दो एलईडी लाइट लगाई हुई है तो उसका हीट ज़्यादा होगा। हमारे जो वैसे भी हीट सिंक बहुत छोटे हैं तो एक फैन इस हीट सिंक को कूल नहीं रख पाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दो 12 वोल्ट के फैन लगाए हैं ताकि जो एलईडी लाइट का हीट है वो आसानी से हम कंट्रोल कर सके। उसके बाद यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है एक 12 वोल्ट का दूसरा फैन। यहाँ पर जो एलईडी लाइट का हीट होता है उसके कारण हमारी जो एलईडी पैनल है, एलईडी डिस्प्ले है, वो ख़राब हो सकती है, इसलिए उसे कूल रखने के लिए हमने यहाँ पर दूसरा एक 12 वोल्ट का फैन लगाया हुआ है। और इन तीनों फैन को भी आपको अलग से पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर तीन 12 वोल्ट के फैन को 18 वोल्ट 1 एम्पीयर का डीसी पावर सप्लाई दिया हुआ है। कुछ इस तरह से हमने अपने प्रोजेक्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब देखते हैं उसका जो ब्राइटनेस है वो कैसा है। तो चलिए with the nails done.